हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया है अपकमिंग सेशन के लिए, जो अभी जनवरी में फॉर्म निकले थे, तो उसकी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। और अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे तो उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है और ना ही अब आएगा, बिकॉज आज 19 और 20 तारीख 2 दिन आपका करेक्शन किया जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई यहाँ पर एक्सटेंशन का फॉर्म आपके लिए दोबारा से ओपन किया जाने वाला है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाली वेबसाइट पे चेक किया, यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी नोटिस गिवन नहीं है एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अप्रैल में दोबारा से फॉर्म निकलेंगे। जो एग्जाम जून में होने वाला है उसकी डेट भी आ चुकी है इस वाले नोटिस के अंदर। तो जो एग्जाम जून में होगा उसके फॉर्म अप्रैल में निकलेंगे, तब आप फॉर्म फिल कर देना। और जून के एग्जाम में आपके पास काफी इनफ टाइम होगा, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो ताकि जून तक आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर लो, बिकॉज रिविजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाता है। गाइज, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो आपके लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है, 19 जनवरी और 20 जनवरी। 11:50 PM तक आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है कि क्या करेक्शन करने की कोई फीस लगती है, तो NTA किसी भी तरह का कोई करेक्शन फीस नहीं लेता है। जो सेट एग्जाम होते हैं वहां पर करेक्शन की फीस लग जाती है कई बार, लेकिन NTA नेट एग्जाम में आपकी करेक्शन की फीस नहीं लगती है। तो 2 दिन मिले हैं, आज 19 जनवरी को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और 19 जनवरी और 20 जनवरी 2 दिन आपको दिए गए हैं करेक्शन करने के लिए। अब करेक्शन किस तरीके से करना है मैं आपको ये समझा देता हूँ, और करेक्शन किस किस चीज में कर पाओगे इसके लिए आपको लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन पे, और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर डालना है, सिक्योरिटी पिन, इसमें कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन कर लोगे तो आप साइन इन करने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। एडिट करने वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर जाकर के जिस भी ऑप्शन में आप एडिट कर पा रहे होगे, जो भी, जैसे ये वाला एक एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर आप कुछ लिख पा रहे हो, कुछ डिलीट कर पा रहे हो, कुछ ऐड कर पा रहे हो, इसका मतलब उसमें करेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी बॉक्स में आप लिख ही नहीं पा रहे हो, ना उसको एडिट कर पा रहे हो ना डिलीट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि उस बॉक्स में करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप खुद चेक कर लीजिए एक बार लॉग इन करके, अपने एप्लीकेशन नंबर को डाल करके, कि किस चीज में लॉग इन हो करके करेक्शन हो जाएगा और किस में नहीं हो जाएगा। ये आप खुद कर लो इस चीज को अभी, बिकॉज 2 दिन का टाइम है। इसके बाद करेक्शन विंडो भी ऑफ हो जाएगी, उसके बाद आप करेक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो गाइस गाइस आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। अगर देखो आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, अपकमिंग सेशन में 1 महीना बचा है लगभग लगभग आपके पास, और इस 1 महीने में भी अच्छे से तैयारी करी जा सकती है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ोगे तो डेफिनेटली इस 1 मंथ में भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो गाइस, हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। NTA क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ हमने। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो। और गाइस, इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना है गाइज, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।